कोरोना रो पुरोना जादुकच कुंडियाण भले समस्या जेउठारे बे हेई थाउ साथीरे शीत दिने आम शरीर शुष्क होई जाए एवं बहुत अधिक कुंडेई होई थाए सेति पाई मु आज आपनको पाई एक रामबाण घरे उपचार नै आसीछि। जदि आपण एही मलमर प्रयोग आपणकर स्किन इन्फेक्शन एरिया रे करिवे तबे विश्वास करंतु आपणको बहुत आराम मिलिबो एवं प्रथम दिनर प्रयोग द्वारा आपणको फरक देखाजिबाकु लागिबो। यहार जदि आपण किछि दिन कंटिन्यू यूज करिदेबे तबे देखिबे आपणकर भयंकर रो भयंकर जादुकाच कुंडियाण संपूर्ण भल होइजिबो। तबे आसंत जानिबा आजर ए चमत्कार होम रेमेडी को बनाइबा विषय रे जहार प्रयोग करि आपण निजर स्किन इन्फेक्शन भले समस्या को सबदिन पई दूर करि पारिबे। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वर ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसुथिबा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस करंतु। आजर ए रेमेडी को बनाइबा पई मु एठारे खंड हलदी रो प्रयोग करूछि। हलदी पाउडर तुलना रे खंड हलदी रे 100 गुण अधिक पोषक तत्व मिलिथाय। एहा पोषक तत्वर भंडार होइथाय एवं आम शरीर पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। खंड हलदी ठारु कंचा हलदी जदि आपण मिसाइबे तेबे एहा आहुरी अधिक लाभदायक होइथाय। एमितिर शीत दिने आपणको कंचा हलदी बहुत सहजरे मिलिजाय। जदि न मिले तेबे आपण हलदी खंडर प्रयोग करि किंबा हलदी गुंडर प्रयोग करि एहि रेमेडी को बनेई पारिबे। हलदी गुंडर प्रयोग करि आपण एहाकु केमिति बनाइबे वीडियो आगो को जानिबा। थरे जदि आपण एहाकु बनेई रखि देबे तेबे मासचक चली जिवो। हलदी खंड को जदि आपण क्षीर रे फुटाई पियंती तेबे ताहा बहुत अधिक लाभदायक होइथाय एवं जदि आपण को स्किन प्रॉब्लम अछि तेबे सेथि पाई मध्य एहा बहुत अधिक चमत्कार अटे। एथिरे एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटी बैक्टीरियल गुण मिलिथाय जहाँ आपणकर फंगस जादुकाच कुंडिया सबकिछि पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। प्रथमे आमे एठारे हलदी को भल भाव धोइले एबे आपण चाहिले एहाकु एहिपरि बाटी पारिबे नहले ग्राइंडिंग करि पारिबे। आपण एथिरे पानी मिसांतु नाही कारण आमे एहाकु बहुत दिन पर्यंत स्टोर करि रखि पारिबा। आपण एथिरे पानी न मिसाई ताहा बदलरे आलोवेरा जेल मिसाई पारिबे। आपण एमिति एक छोट कंडा आलोवेरा पत्ररु जेल काढ़ी एथिरे मिसांतु। अधिक दिन स्टोर करि रखिबाकु चाहुथिले आपण एथिरे आलोवेरा जेल मिसांतु कारण एहा मते आमार स्किन इन्फेक्शन भले समस्या को दूर करिबा पाई बहुत अधिक लाभदायक अटे। एबे आपण एहाकु पूर्णी भल भाव ग्राइंडिंग करि दियंतु। देखंतु एबे एहा आमार पूरा स्मूथ पेस्ट बनी प्रस्तुत होइगला। एबे आपण एहाकु एक पात्र को काढ़ी दियंतु। जेमिति आपण खंडा हलदी रे आलोवेरा जेल मिसाई एही पेस्ट को प्रस्तुत कले ठीक सही परे आपण हलदी गुंड रे मध्य आलोवेरा जेल मिसाई एही पेस्ट को प्रस्तुत करि पारिबे। जेहेतु आमे एहाकु आम स्किन रे प्रयोग करिबा सेथिपाई मार्केट रो मिलुतिबा हलदी गुंड उपरे विश्वास न करि आपण निजे घरे हलदी गुंड बनै एही रेमेडी रो प्रयोग करंतु। एबे आपण को एथिपाई आवश्यक निंब तेल। निंब तेल एमितरे आपण को कोनसी भी पुटुल बणिया दुकानरु बहुत सहजरे मिलिजिबो। जदि न मिले आपण व्यस्त हुवंतु नाही आपण याकु घरे बनै पारिबे। निंब पत्र नै आसंतु। आपण याकु सोरिष तेल रे मिसाई निंब तेल प्रस्तुत करंतु। एबे आपण 2 चमच निंब तेल एही पेस्ट रे मिसांतु। एबे याकु भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एबे आपणकु आउ गोटे छोट प्रोसेस करिबाकु पड़िबो जेमिति एही मलम बहुत दिन पर्यंत रहिबो जेमिति खराब न हेबो सेथिपाई गोटे पात्र ग्यास रे बसांतु। एबे सेथिरे एही मिश्रण को पकांतु। 5 रु 6 मिनिट आपण याकु एही परि बनांतु। जेतेबेले आपण एही पेस्ट को पकेइबे तेबे एहा लिक्विड भलि जणा पड़िबो। आपण एही पेस्ट को गरम करी एही प्रकार सॉलिड करि दियंतु। जेबे आपण को लागिबो एथिरु मॉइश्चर संपूर्ण शेष होइ जाय छि तेबे आपण गैस बंद करी एहाकु ठंडा हेबाकु छाड़ी दियंतु। ठंडा हेला परे आपण एहाकु एको पात्र को काढ़ी दियंतु। एबे आपण कर एही मलम बनी प्रस्तुत। एही ठारे गोटे छोटो टिप देबी जदि आपण कर देहात बहुत अधिक कुंडेई हेउछि तेबे निंब पानी रे निहाती गाधांतु। निंब पत्र को पानी रे फुटाई आपण सेही पानी रे गाधेई पड़ंतु। देखिबे आपण को बहुत आराम मिलिबो। प्रतिदिन न हेले भी सप्ताह रे 2 दिन निंब पानी रे निहाती गाधांतु। एबे जानिबा आपण निजर स्किन इन्फेक्शन बा जादुकाच कुंडियाण भले समस्या को दूर करिबा पई एही मलम रा प्रयोग किपर करिबे। आपण एही मलम को स्टोर करि रखि दियंतु। जेबे भी आपण को स्किन इन्फेक्शन भले समस्या हि अछि तेबे एहाकु सेही जगह रे भल भाव रे राति समय रे लगांतु। सकाळ उठि आपण उषुम पानी रे एहाकु धोई दियंतु। एहाकु थरे लगेई देखंतु आपण को बहुत आराम मिलिबो। किछि दिन आपण एहाकु लगेई देखंतु
देखिबा आपणकर पुरुणार पुरुणा जादुकाच्य कुंडियाण भली समस्या संपूर्ण भल होइजिव। तेबे आपणक ए भिडियोटि किपर लागिला आमको निश्चय कमेंट कर जणांतु एवं भिडियोकु गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।